के अपना मौसमी का जूस। बारिश का टाइम है तो और दिक्कत होता है। अभी यहाँ से गांधी चौक जाने में सब गाइज वेलकम बैक द न्यू एपिसोड। तो क्या हाल चाल आप सबका, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी का सीन है, अभी फिलहाल नहा धो के हो गए हैं रेडी, फुल रेडी, और अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के मतलब कि शाम के 4:30। फिलहाल रेडी हो गया फटाफट, अभी हो गया टाइम नमाज का, फटाफट चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ के आने के बाद फिर माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए रेडी रहिए, नमाज पढ़ के आते हैं उसके बाद तगड़ा वाला कहीं जाने हैं तो फटाफट रेडी रहिए उसके बाद चलते हैं। अभी टाइम है फिलहाल ब्रेकफास्ट करने का, और आज ये है हमारे पास सपना हेल्दी एंड दूध ब्रेड, हेल्दी ब्रेकफास्ट है, फटाफट ब्रेकफास्ट करते, भूख काफ़ी जोर से लगा है और जोर बारिश दे देना मज़ा आ जाएगा। 5 मिनट बारिश दिया है, 5 मिनट हो गया होगा ना बारिश का, और थोड़ा दे दे, आधा घंटा दे देगा, मज़ा आ जाएगा बारिश। मार्केट आया हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 12:29 और बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, धूप है अभी कुछ पहले ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। टाइम ऑलरेडी हो चुका है 12:31। मार्केट आया था कुछ काम से बैंक में, वो अभी काम करना है तो थोड़ा बहुत वहाँ टाइम लगेगा, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर। अभी फ़िलहाल हॉट कॉफ़ी ऑर्डर किया हूँ, फिलहाल इसको पीते हैं उसके बाद तब तक टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर चलते हैं। अभी गाइस अभी जिस होटल में हूँ मैं, अभी इस एरिया में, मेरे एरिया में नया होटल खुला है, काफ़ी अच्छा होटल है, कुछ इस तरह का व्यू है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये होटल काफ़ी अच्छा, मैं इस बार होटल में आया, फर्स्ट टाइम आया कोल्ड कॉफ़ी पीने के लिए, मगर लाइट नहीं था तो कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी पाया, फिर हॉट कॉफ़ी ऑर्डर किया था, फिर उस टाइम मंचूरियन ऑर्डर किया, इस बार आया फिर पीने, फिर लाइट नहीं है, अब फिर इस बार हॉट कॉफ़ी ऑर्डर करना पड़ा, देखते हैं कब तक आता है। और फाइनली आ गया हमारा हॉट कॉफ़ी, इसको अब टेस्ट करते हैं, आप देखते हैं कैसे। जब आप एक नंबर जबरदस्त तगड़ा पीस है। यहाँ आके अपना मौसमी का जूस, एक मौसमी घर भी ले जा रहे हैं मम्मी के लिए, एक पैक करवा रहे हैं, एक पी लेते हैं और एक घर ले जाते हैं, फटाफट लेते हैं और घर निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा है। फर्स्ट गाइस घर आए हैं और घर आने का टाइम देखे तो बज रहे हैं 2:06। मैं सोचा कि नमाज़ पढ़ लूँगा और नमाज़ तो गया, क्योंकि टाइम हो गया नमाज़ का, टाइम था 1:30 में और अभी बज के 2। फिलहाल अभी घर पर ही नमाज़ पढ़ते हैं, फटाफट नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मौसम तो काफ़ी प्यारा कर दिया, बारिश हो गया तो मौसम और थोड़ा ऐसा, गर्मी थोड़ा बहुत कम हुआ, अब ज़्यादा नहीं हुआ है, ऐसा मौसम रहे दिल्ली तो हमेशा तो मज़ा ही आ जाएगा। फटाफट नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद फिर खाना खाते हैं, काफ़ी ज़ोर से भूख लगा, जूस और कॉफ़ी से तो पेट नहीं भरा, अब खाना से ही पेट भरेगा, जो भी हो घर का खाना है बेस्ट है। फटाफट नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद आराम से मिलते हैं। फाइनली गाइस हो गया है नमाज़ पढ़ के रेडी, और फिलहाल आ गया है खाना, फटाफट खाना खाते, दाल चावल और अंडा और साग आ गया है, फटाफट खाना खाते, काफ़ी ज़ोर से भूख लगा, मैं 12 बजे से कंट्रोल पर बैठा हूँ, अभी बज रहे हैं 2:15। खाना खाते हैं फ्रेश दाल चावल, खाने में मज़ा आता है, घर का दाल चावल जो भी कहीं का भी हो, घर खाना एक नंबर बेस्ट है। फटाफट खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है, प्लॉट पे चलना है या फिर उधर चलना है, दो काम है अभी तो, अभी वो ऑप्शन में है, पहले फटाफट खाना खाते हैं। वैसे अभी फ़िलहाल आ गए हैं घर, बैंक से काम हो गया कम्प्लीट, बैंक से घर आने के बाद इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पहले आ गए सबसे पहले नहाया, नहाने का ड्रेस चेंज किया, उसके बाद ही कुछ काम किया, क्योंकि इतना गर्मी ना, गर्मी से मेरा लेवल पार, सितंबर में इतना गर्मी, अक्टूबर में क्या हालत होगा समझ नहीं आ रहा। बाय द वे गाइस निकल गया है सारा पैसा, और फिलहाल इस पैसा को देना है पापा को, क्योंकि चल रहा है घर पे काम, तो इसके लिए निकाला हूँ तो देता हूँ फटाफट, और देखते हैं रिएक्शन कैसा। गाइस पूरा ये बन गया है अपना टेंकी, इसके अंदर पूरा पैक हो जाएगा, पानी देख रहे हो कितना है, बारिश होने के बाद ये 4 पिलर आज खड़ा हुआ, बारिश हुआ तो पानी पानी सब जगह पूरा पानी पानी हो गया है, कब पानी होगा ख़त्म पता ही नहीं, बारिश हो रहा है पानी, ये आज पूरा सूखा गया पानी फिर वापस हो गया। A few moments later. अभी का सीन क्या है कि अभी बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है पता नहीं, चार्ज नहीं, और फिलहाल मेरे पीछे देख रहे होंगे नारायण हार्डवेयर है, इंतजार कर रहे हैं कब खुलेगा, कॉल तो कर दिए हैं, अभी बस डोर खुला है, उसमें लेना है कुछ सामान, क्या लेते हैं वो डॉक्टर फिक्सिट का है कि निकल लेना है तो वो लेते हैं, फटाफट खुलता है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक डॉक्टर फिक्सिट दीजिएगा, डॉक्टर फिक्सिट, एक लीटर बीजेपी महिला कार्यकर्ता, कितना प्राइस है
60 में लेके गए थे अभी दो दिन पहले, अब यहीं पे लेके गया था, यहीं पे काम चल रहा है। इस डॉक्टर फिक्स इट भी घर पे लगा देता है, काफ़ी अच्छा रहता है, वो फिक्स हो जाता है, तो उसको अभी ले लिया, अभी देते जाके। हो गया है गाइस बारिश, सीन देख रहे हो, मौसम बादल देख रहे हो कैसा हो रखा है। हो गया बारिश, बारिश हो गया, काम हो गया है बंद। कब बारिश बंद होगा पता ही नहीं, हल्का हल्का बारिश हो रहा है, काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बारिश बंद हो जाए तो फिर काम और फास्ट हो जाएगा, बस बारिश का वेट रहा। बारिश कब हो जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी का सीन क्या है गाइस कि अभी हो गया है बहुत ज़बरदस्त तगड़ा वाला मौसम, ख़राब हो गया है पूरा बारिश, काम हो गया है बंद। अब होगा काम कल, काम होने का होता था मगर बारिश की वजह से काम ही नहीं हो रहा है। अभी बज रहे हैं 3:05 और फिलहाल अभी मुझे जाना है मार्केट तरफ, क्योंकि हो गया है बियर्ड थोड़ा सा बड़ा, उसको बस सेट करना है, हेयर को सेट करना है, हेयर करना है नहीं करना वो बात की बात है, मगर बियर्ड तो करना ही करना है। बारिश कम होगा, फटाफट चलते हैं, चाय पीने का मन कर रहा है बारिश के मौसम में, गर्मा गर्म चाय। पहले बियर्ड सेट करते हैं, उसके बाद चाय पीते, उसके बाद आते हैं। अब देखते हैं कब बारिश बंद होगा, उसके बाद फिर ऑटो पकड़ते हैं और चलते हैं। तो हो गया है 3:52, चाय तो एक नंबर तगड़ा पिस्ता, वन ऑफ द बेस्ट होटल अभी तक मुझे लगा है कॉफ़ी एंड चाय का। इससे भी अच्छा है लंच गार्डन, वो भी तो मुझे नॉर्मल है, ये चाय चुकड़ है वो लंच गार्डन, दोनों मेरा फेवरेट है, मैं कहीं पर भी पी लेता हूँ। फिलहाल अभी चलता हूँ सैलून खुला के लिए, क्योंकि आज थर्सडे है, मतलब भूल गया था कि आज थर्सडे है, सैलून खुला हुआ नहीं, खुला हुआ तो कटाएंगे नहीं तो फिर डायरेक्ट चलते घर, क्योंकि बारिश वाला बहुत तगड़ा पीस वाला, भीग गया तो तबियत खराब हो जाएगा, फिर दिक्कत है। अब बारिश का टाइम है तो और दिक्कत होता है, अभी यहाँ से गांधी चौक जाने में अभी बारिश में दिक्कत हो जाता है। फाइनली गाइज आ चुके हैं घर, बियर्ड शेट करवा के, हेयर तो करवाया नहीं क्योंकि मैं हेयर अभी बढ़ा कर मतलब कि हेयर बड़ा करना है, इसकी वजह से मैं हेयर करवाया नहीं, बस बियर्ड शेट करवा दिया। वैसे भी आज सोचा कि मैं खुला नहीं होगा, मगर फाइनली आज खुला था तो मैं करवा दिया, मतलब खुला नहीं था वो सैलून, आज थर्सडे बंद रहता है तो सैलून में कुछ काम चल रहा था बाहर पे गेट का काम, तो मैं गया तो पूछा भैया से, भैया होगा, तो भैया बोला हाँ चलो हो जाएगा। मैं सोचा सोना पे सुहागा क्यों ना हो जाए भाई, चलो खुला तो भैया बोल रहे तो मैं करवा लेता हूँ, फटाफट ये बियर्ड करवाया। और बारिश सबसे ज़ोर से दे रहा था वहाँ पर मार्केट में, तो वहाँ करवाने के बाद 10 मिनट वेट किया, उसके बाद बारिश थोड़ा कम हुआ, फिर मैं टोटो पकड़ के घर आ गया डायरेक्ट। और फिलहाल घर आने के बाद वीडियो शूट किया थोड़ा बहुत, यहाँ लगा हुआ अपना लाया कैमरा, यहाँ ट्राइपॉड का जुगाड़ देख रहे हो ना, ये हुआ है सेटअप। फिलहाल इस यहाँ करते हैं, अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा नमाज का, नमाज पढ़ने चलते हैं, उसके बाद आके काफ़ी ज़ोर से भूख लग जाएगा, क्योंकि मेरा ये ना कि 7:15 बजे तक भूख लग जाता है, तो देखते हैं पहले फटाफट नमाज पढ़ के आते हैं, उसके बाद होगा तो मैगी बना के खाते हैं, उसके बाद भूख नहीं लगेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है, और वो बात की बात है। काफ़ी जोर से भूख तो बन गया है, मैगी फटाफट मैगी खाते हैं, भूख लगा काफ़ी जोर से मैगी खाते हैं। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।